कोशिश करता हूँ कि हर पिक्चर में अलग लुक रखें, अलग स्टाइल रखें। इस पिक्चर में खास के बहुत जरूरत थी, बिकॉज जब हमने साइन किया था तो उसे पता चला कि अक्षय सर के साथ रिंग में खड़ा होना है और प्रिटेंड करना है कि उनको चोट लगेगी या मैं उनको मार रहा हूँ। तो बहुत ही नर्वसनेस, बहुत ही डर लगा और तभी मैंने 4 महीने निकाले और कुछ नहीं किया, अपना 10 किलो वजन बढ़ाया, ट्रेनिंग करी मार्शल आर्ट्स में। हमारे पास LA से ट्रेनर थे जिन्होंने किकिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जुजित्सु, क्योंकि सर तो ऑलरेडी मार्शल आर्ट्स में माहिर हैं, तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी और मैं पूरे शूटिंग के दौरान भी उन लोगों के साथ ट्रेन करता था। और हमारे डायरेक्टर ने भी, करण मल्होत्रा ने, काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया कि सर को वेट लूज करने को बोला और मुझे वजन बढ़ाने को बोला, तो आई थिंक तब मैं उनके बराबर आ पाऊँ कि इनको थोड़ा काम करें, मुझे थोड़ा मेरे को पुश की जरूरत थी। तो होपफुली आपको देखेगा कि मैं इनके टक्कर के काबिल हूँ या लग रहे हैं कि दो सही में वाकई में फाइटर, एक मुकाबला अच्छा मुकाबला होना चाहिए, तो वही अटेम्प्ट है। मैंने खुद अभी बहुत कम पिक्चरें करी हैं, अक्षय सर का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा है, पर ड्रीम रोल अगर बचपन से मुझे था कि विच आई वॉन्ट टू प्ले एक्चुअली एक सुपर हीरो, अगर प्ले कर पाऊँ, चाहे उसमें सुपर ह्यूमन पावर हो या ना हो, आई थिंक वो मुझे शौक है। आई थिंक इंडिया में हमारे सुपर हीरोज काफ़ी जितने भी बने हैं, जितने भी हम फैंस हैं, ज़्यादा इंटरनेशनल फैंस हैं, तो एक हिंदुस्तानी सुपर हीरो हो और मेरे को ऐसा करने का